पॉपअप सेल्फी कैमरे की ट्रेंड जैसे ही भारतीय बाजार में चल पड़ी है, उसी के सीरीज़ में वीवो ने लॉन्च किया है V15। जी हाँ दोस्तों, V15 एक ऐसा सीरीज़ का फ़ोन है जो कि पॉपअप सेल्फी फ़ोन है, जो यहाँ से देख सकते हैं 32 MP का इसमें पॉपअप सेल्फी वाला दिया गया है। कुछ दिन पहले इन्होंने पॉप वाला निकाला था जो कि प्रो वेरिएंट में था, जिसकी कीमत 28,990 यानी तकरीबन 29,000 थी, और इसकी कीमत की बात की जाए तो ये करीब 23,990 रुपये का फ़ोन ये है, जिसको कि प्री बुकिंग करके आप बहुत सारे डिस्काउंट के साथ में पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या खास बातें हैं इस फ़ोन की और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो Vivo 15 Pro जैसे कि थोड़ा सा महंगा था, तो उसको थोड़ा सा इसमें दो तीन चीज़ें कम करके इसका जो लोअर वेरिएंट है वो भारतीय बाज़ारों में आ चुका है शुक्रवार को, जो कि प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल है। आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल और भी ऑफलाइन स्टोर्स एज वेल एज ऑनलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएगा आपको। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत पड़े। मिलेगा फ़ोन 1 तारीख से आपके हाथों में, फ़िलहाल प्री बुकिंग चालू है, 8 दिनों का ही ज़्यादा से ज़्यादा गैप है। 22 तारीख को लॉन्च हुआ है और ये जो है फ़िलहाल 1 अप्रैल से मिलना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी सेल्फी निकलती है जो 32 MP की है। और स्क्रीन पूरा कवर अप है, 18 वाला जो रेशियो था वो तो पुराना हो गया, 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। यहाँ पे फ़ोन के ऊपर से सेल्फी निकलती है 32 MP की, जो कि काफ़ी ज़ोरदार है। पीछे की तरफ में ट्रिपल कैमरा दिया गया है, 12 का 8 का 5 का, जो कि अलग अलग काम करते हैं, तीनों अलग अलग मिला के बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ लेते हैं। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया पट्टी दी गई है, जो कि ट्रेंड चल गया है भारतीय बाजार में कैमरेज का, पावरफुल स्क्रीन का। और सुपर एमोलेड की स्क्रीन थी प्रो वाले में, हालांकि इसके अंदर नॉर्मल ही स्क्रीन है, फुल HD की ही है, बढ़िया सी है, इनसेल डिस्प्ले वाली। और इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो आपको मिल जाएगा 2.1 GHz का, ऑक्टोकोर का, 6 GB RAM, 64 GB का एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है। जहाँ पे प्रो में देखते थे कि आपको 6 GB और 128 GB का था, यहाँ पे आपको उतना 6 और 64 में ही मिलेगा इसके अंदर। हालांकि इसका जो एंड्रॉयड है वो 9.0 के ऊपर है, फ्रंट टच OS 9 उसके ऊपर काम करता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है, पहले मैं स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इन्होंने इस्तेमाल किया था, फिलहाल अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि पहले इस्तेमाल किया था इन्होंने 675 वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला था, लेकिन अब जो है ये नहीं कर रहे हैं। प्राइस कम की है इसके लिए, क्योंकि वो प्रो सीरीज़ था, ये नहीं है, तो इसमें हीलियो का प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें 2.1 GHz का प्रोसेसर है, जो कि इम्प्रेसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी फिर भी है, प्रोसेसर दूसरा है तो क्या हुआ, प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर, और P20 वाले सीरीज़ के हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से। इसमें फ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स बताया नहीं गया है, गैलरी देख ले कि कुछ इस तरह से दिखेगी। हालांकि फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे है, पुराने जो प्रो वाला था उसके अंदर फिंगरप्रिंट जो सेंसर थी वो ऊपर ही दी गई थी, जो कि हाथों के ऊपर ही था, ये इन डिस्प्ले जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से उसकी करीब 5,000 रुपये कीमत ज़्यादा है। अगर वो तीन चीज़ आपको प्रोसेसर, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर और जो स्क्रीन जो एमोलेड की, वो तीनों नहीं चाहिए तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। फंक्शन सबका सेम ही है, कैमरे में कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसके दो तीन चीज़ स्पेसिफिकेशन ही कम है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और भेजी टेक्निकल देखने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।